हे व्हाट्सअप बडीज, माय नेम इज जैन, यू वाचिंग चैनल द गेमिंग टिप्स। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ जीटी सैन एंड्रियास एंड्रॉइड के लिए न्यू केटीएम डक 690 बाइक देने वाला हूँ गाइस। ओके गाइस, सो यार ये हर डिवाइसेस पे वर्क करेगा, ठीक है गाइस। सो आपकी अगर आपके पास गाइस ओरिजिनल है जीटी सैन एंड्रियास या फिर लाइट है गाइस, दोनों में वर्क करेगा, चिंता की कोई बात नहीं है गाइस, ठीक है। तो आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। अगर गाइस हमने वीडियो को स्किप करा तो यार आपकी गेम में ये बाइक नहीं आने की, ठीक है गाइस। सो यार वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। एंड गाइस इस मोड फाइल का साइज ओनली 3 MB, आप इसे इजीली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया। लेकिन गाइस अभी डाउनलोड मत करना, क्योंकि आगे मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा, तब वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए गाइस, उसके बाद ही आपको डाउनलोड कर। सो गाइस इस बाइक को अपनी गेम में इंस्टॉल करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट गाइस आपको मोड फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, एंड सेकंड आपको TXT टूल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, एंड गाइस थर्ड आपको GTMG टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो गाइस मोड फाइल का तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड यार TXT टूल और GTMG टूल की वो आप इन्हें प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस ठीक है, तो यार मैंने भी इन्हें प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया, आप भी कर लेना। यार अगर आपके पास GTA San Andreas गेम का लाइट वर्जन नहीं है गाइस, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो को बना रखा है गाइस, और बना कर रखा हुआ है। सो गाइस आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, या फिर गाइस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का गाइस, ठीक है। अगर आपके पास गेम नहीं है तो आप वहां से देख कर इसे डाउनलोड कर सकते हो गाइस। यार अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। और यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, यार कृपया करके एक वीडियो को लाइक कर दो गाइस, हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है गाइस, ठीक है गाइस। सो यार अब आगे चल के इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आप सभी को ये फाइल मिलने वाली है आपको इसे जेड रिसीवर में, जिस फोल्डर में आपको ने इसे रखा है उस फोल्डर को ओपन कर लेना, एंड इसका नाम है KTM डक 690 मोड इन GTA San Andreas एंड्रॉयड। सो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, इस पर एक बार प्रेस कर देना है फाइल पर, एंड गाइस एक बार इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट हियर हो गाइस, एक्सट्रैक्ट हियर पे आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ मांगेगा पासवर्ड। सो गाइस पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख लीजिए गाइस। तो यार पासवर्ड अपना है द गेमिंग टिप्स वाइज, मेरे से भी गलती हो रही है इसमें। सो गाइस अपने चैनल का ही नाम है कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है, इसका नाम है द गेमिंग टिप्स वाइज, मैं लिख देता हूँ द गेमिंग टिप्स एंड इसके बाद गाइस आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए, फिर ओके कर दीजिए। एंड गाइस एक्सट्रैक्ट हो गया और आपके पास एक फोल्डर आएगा KTM डक 690 मोड इन GTA San Andreas एंड्रॉइड, इसे ओपन करोगे गाइस आपको सबसे ऊपर दिखेगा DFF एंड टेक्सचर फाइल। सो गाइस इसमें आपको DFF और टेक्सचर्स मिलेंगे, और आपको यहाँ स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर दिखेगा, इसे ओपन करोगे गाइस। सो गाइस इसके अंदर आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, जैसे आप देख सकते हो PNG आपको दे रखी है बाइक की। एंड गाइस अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमने जेड अचीवर को हटा देना है, एंड इसके बाद आपको GTMG टूल को ओपन कर लेना है। सो गाइस इसका इंटरफेस ऐसा है, रुकिए, एंड ओपन IMG पे गाइस आपको एक बार क्लिक कर देना है, एंड गाइस यहाँ से आपको आना है एंड्रॉयड के फोल्डर में, फिर आना है डाटा, फिर आपको मिलेगा com.rockstargame.gta, ऐसे इसे ओपन कीजिए इस फोल्डर को, फिर फाइल्स, फिर सबसे नीचे आपको दिखेगा TextDB। तो गाइस आपको इस पर सिंपली प्रेस कर देना है, एंड गाइस यहाँ आपको सिलेक्ट करना है GTA 3.IMG पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेना है, एंड ऊपर 3 डॉट्स आपको दिख रही हैं, एंड गाइस इस पर आपको सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। एंड गाइस आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ दिखेगा ऐड फाइल विद रिप्लेस, इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड गाइस यहाँ से बैक हो जाए, और गाइस आपको वो फोल्डर ढूंढना है जिसमें हमने अपनी मोड फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था। सो गाइस मैं भी ढूंढ लेता हूँ, एंड गाइस आपको उस फोल्डर को ओपन करना है जो एक्सट्रैक्ट करने की बात आया था, एंड DFF एंड टेक्सचर्स वाली फाइल फोल्डर को ओपन करना है, और DFF फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस प्रोसेसिंग हो रही है, एंड गाइस इसके बाद आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करके रिबिल्ड कर देना है। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरा रिबिल्ड कितनी जल्दी कंप्लीट हो गया है। एंड गाइस इसके बाद आपको GTMG टूल को क्लोज करने के बाद आपको TextDB टूल को ओपन करना है, एंड फाइल के आइकन पे गाइस आपको एक बार प्रेस करना है। एंड गाइस मैं ओल्ड पिकर कर रहा हूँ, आपको न्यू पिकर करना है जो मर्जी कर लीजिए। ओल्ड पिकर करने के बाद गाइस आपको बैक हो जाना है यहाँ से, एंड गाइस यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एंड्रॉइड का फोल्डर में, फिर डाटा में जाना है, फिर com.rockstargame.gta के फोल्डर को गाइस आपको ओपन करना है, फिर फाइल्स में आना है, फिर आना है TextDB में, फिर गाइस आपको आना है GTA 3 और फिर GTA 3.txt वाला को सिलेक्ट कर लेना है।
सो गाइस इसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड फ्रॉम इमेजेस पे क्लिक कर देना है एंड फिर यहाँ क्लिक करना है अनकंप्रेस विद अल्फा। सो गाइस इसके बाद आपको मैं बैक होके दिखा देता हूँ। गाइस आपने जिस फोल्डर में अपनी गेम को एक्सट्रैक्ट करा था गाइस आपको उसी फोल्डर में चले जाना है, मोड फाइल को एक्सट्रैक्ट करा था, सॉरी गाइस गेम कह रहा हूँ। तो आपको जो फोल्डर है तो उसे ओपन कीजिए एंड एफ एम एंड टेक्सचर्स वाले फिर विद अल्फा वाले फोल्डर को ओपन कीजिए एंड गाइस आपको यहाँ से इस पर क्लिक करके चेक के बटन पर क्लिक कर देना सबको सेलेक्ट करके फिर आपको जस्ट ऐड से गाइस ओवर राइट कर देना। गाइस ध्यान से देख लीजिए सेटिंग एंड गाइस अनेबल कैनोन से आपको ऑन टिक करना है। सो गाइस अनेबल कैनोन से टिक करने के बाद करेक्ट कैपिटल लेटर्स इन नेम पर आपको टिक कर देना गाइस एंड इसके बाद आपको टेक्स्चर्स की जो क्वालिटी रखनी है गाइस 512 फिर ओके पे के बटन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे टेक्स्चर्स अभी इंपोर्ट हो रहे हैं एंड गाइस आप देख सकते हैं मेरे टेक्सचर्स कितनी जल्दी इंपोर्ट हो चुके हैं एंड गाइस इसके बाद आप किसी भी टेक्सचर्स को ओपन करके देख लीजिए आपके टेक्सचर्स अच्छे से बैठ जाएंगे ठीक है गाइस। सो इसके बाद गाइस आपको अपनी गेम को आपको ओपन कर लेना है। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने अपनी गेम को ओपन कर लिया है एंड गाइस इसके बाद देखिए आपको यहाँ से बाहर आना है एंड अपना सिलियो मेन्यू को ओपन करना है एंड गाइस इसके बाद आपको अपने कर्स फोन वाले सिलियो मेन्यू को सिलेक्ट करके आपको राइट के बटन पर क्लिक करना है। सो गाइस मैं भी कर रहा हूँ देख सकते हैं आप। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ हमें KTM Duck 690 मिल गई है। सो गाइस आज की वीडियो गाइस आपको कैसी लगी यार प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना एंड गाइस यार अभी तक हमने अपने द गेमिंग टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो गाइस यार सब्सक्राइब कर दो यार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया यार लाइक कर दो गाइस बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है गाइस वीडियो बनाने में। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड बाय बाय गाइस।